क्या आपके भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं? बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है और अपने डल हेयर से बिल्कुल परेशान है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिना का ऐसा DIY पैक जो आपके बालों को नेचुरली कलर करेगा, नेचुरली आपके बालों में शाइन लाएगा और आपके बाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये बिल्कुल विदाउट केमिकल फ्री है, आपके लिए बालों के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्किन केयर पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा DIY हेयर पैक जो आपके बालों को नेचुरली शाइन करेगा, आपके बालों को नेचुरली बरगंडी कलर देगा और आपके बालों में इतनी अच्छी चमक आएगा, बहुत ही अच्छा कलर भी लेकर आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बीटरूट ले लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक बीटरूट लिया है और इसको अच्छे से छील लूँगी। आपको एक पैक के लिए बड़ा बीटरूट लेना है। अगर आपके पास बड़ा बीटरूट नहीं है तो आप दो भी ले सकते हैं, अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने इस बीटरूट को अच्छे से पील आउट कर लूँगी, अच्छे से छील लूँगी। छीलने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं, इसको अब मैं फ्रेंड्स छोटे छोटे पीसीज में कट करूँगी। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ये जो बीट रूट है, खाने में जितना टेस्टी होता है इतना ही हमारे बालों में इसका कलर भी आता है। ये नेचुरली हमारे बालों को डाई करेगा और आपके सफेद बालों की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस बीट रूट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसी तरीके से आप भी बीटरूट के छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, कट करते करते मैंने इसको एक दो पीस खा भी लिया था। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, मैं इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार करूँगी। फ्रेंड्स, आप अगर आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, ग्राइंड ना करें, आपको जैसे सही लगे आप उस तरीके से कर लीजिएगा। तो मैंने फ्रेंड्स इसे जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड करूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा मैंने इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है, एकदम डार्क रेडिश सा इसका कलर है। तो अब मैं इसे छन्नी की हेल्प से अच्छे से छान लूँगी। आपको थोड़ा थोड़ा कर करके इसको टैप टैप करते हुए पूरा इसको छान लेना है। इसी तरीके से आप भी टैप टैप करते हुए, या आप चाहें तो कपड़े की हेल्प से भी इसको छान सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। फ्रेंड्स, ये जो मैं छान रही थी, इसका जो बीटरूट ऊपर है, जो ये गूदा सा जो बचा हुआ है, इसको भी फेंकना नहीं है, इसका भी इस्तेमाल होगा। मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या इस्तेमाल करूंगी। तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये फ्रेश बीटरूट का जूस निकल के तैयार हो गया है। एक कटोरी मेरा बीटरूट का जूस बन के तैयार हो गया है, ये नेचुरली है एकदम। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो बीटरूट का जो गूदा था, ये इसको मैंने वेस्ट नहीं किया है, इसको मैंने फेंका बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, जार जो होता है हमारा, जार में भी थोड़ा बीटरूट का ये लगा होगा, जूस जो है इसका कलर जो है वो लगा होगा। और फ्रेंड्स, इसमें जो है मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करके सबको अच्छे से साफ़ करके इसमें ऐड कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें अच्छे से पानी ले लिया है और इसको मैं बॉईल होने तक रखूँगी। फ्रेंड्स, बॉईल करने से भी बीटरूट का जितना भी कलर होगा, जितना भी इसमें जो प्रोटीन, जितने भी चीज़ें हैं हमारे बालों के लिए जो फ़ायदा करेंगी, वो सब इसमें से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ मैंने इसमें लौंग भी ऐड करी है। लौंग हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं उनको मजबूत करने में हेल्प करता है। तो मैंने 7 से 8 जो है इसमें लौंग ले ली है। लौंग डाल करके अच्छे से इसमें बॉईल आने तक मैं इसको पकाऊंगी। आपको इसे बहुत अच्छे तक बॉईल आने तक पकाना है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें बॉईल आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आपको इसे बॉईल आने तक खूब अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद थोड़ा सा इसे रख करके और एक कटोरी में आप इसका जितना भी जूस है, जितना भी ये पानी था, आप इसको निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं सारा मैंने निकाल लिया है, एक कटोरी मेरा निकल के तैयार हो जाएगा ये। और फ्रेंड्स, ये गर्म है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप अपनी सेफ्टी का, कि आपके ये आपके हाथ में ये लगे ना या आपको जलाए ना, हम कुछ भी ना हो आपको।
तो आप देख सकते हैं बीट रूट में का जो पल्प था उसमें अब बिल्कुल भी कलर जो है नहीं रह गया है, बस पल्प रह गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड करूँगी। मैंने ये 2 रुपये वाला ब्रू कॉफ़ी का पाउडर लिया है, आप चाहें तो ये 2 चम्मच भी ले सकते हैं। ये 1 ही चम्मच कॉफ़ी का पाउडर जितना भी है मैंने इसको डाल लिया है। इसका भी बहुत अच्छा कलर होता है, हमारे बालों में बहुत अच्छी शाइन लेकर आता है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, ये एकदम डार्क रेडिश सा कलर हो गया है। वो उसका बरगंडी सा कलर आया था, इसका ये डार्क रेडिश सा है। आप देख सकते हैं दोनों कलर कितने अच्छे खूबसूरत से दोनों कलर है। यही दोनों खूबसूरत कलर हमारे बालों को भी खूबसूरत करने में बहुत ही मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब अपने मेहंदी का जो पैक है वो तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये नेहा का मेहंदी पैक लिया है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, आप देख सकते हैं इसका जो कलर है बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर है। अगर इसमें कोई केमिकल होता तो इसका कलर रेड हो सकता था, पर इसमें बिल्कुल केमिकल फ्री मेहंदी है। ये बहुत ही अच्छा आपके बालों में कलर लेकर आती है, बहुत ही अच्छा अच्छे से आपके बालों में चमक लाती है। तो फ्रेंड्स आप अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग मेहंदी ले सकते हैं। और उसमें मैंने ये जो बीट रूट का जूस था वो सारा ऐड कर दिया है, पूरा कटोरी भर के जो था सब ऐड कर दिया है। और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, आपको धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स इसमें अब जो मैंने दूसरा बॉईल करके जो वाटर तैयार किया था वो भी थोड़ा थोड़ा डाल करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको सारा एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसे डालें और अच्छे से मिक्स करें। ये आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा ही इसको ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो फ्रेंड्स मिक्स होने में आपको प्रॉब्लम हो आ सकती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको सारा डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स इसमें कभी काफ़ी बहुत सारे लम्ब्स आए हुए हैं, तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करते करते इसके जितने भी लम्ब्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इसको लम्ब्स को ख़त्म नहीं करेंगे तो लगाने में हमारे बालों में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है और इसके लम्ब्स जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। एकदम सारे लम्ब्स जो है फ्रेंड्स बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे, थोड़े तो आपके बाल में रह ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने मेहंदी में जो है अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अभी भी और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, ताकि इसका जो कलर है और अच्छे से उभर कर आए और ये हमारे बालों में बहुत ही अच्छा ग्लो लेकर आए। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका कलर कैसे आ गया। फ्रेंड्स मैंने इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा और डाला था, ताकि जो ये मेहंदी है वो ऊपर से ड्राई ना हो, सूखे नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, ये पानी जो डाला था उसमें भी कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरीके से मेहंदी जो है ये आपके बाल में बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलर लाने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको इसे अपने हेयर्स में अच्छे से अप्लाई कर लेना है और 3 से 4 घंटे बाद जब ये ड्राई हो जाए तो अपने हेयर जो है अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं आपके बालों में बहुत ही अच्छा सा कलर लेकर आएगा और आपके बालों में बिल्कुल भी कोई भी इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होएगा। फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।